तुमने पिछली कक्षा में आप लोगों ने आयनिक मंडल के बारे में मैंने आपको बताया था। और आयनिक मंडल का बेटा आप लोगों पहले बोल रहा हूँ क्लियर मामला कि आयनिक मतलब कि इस बड़े कोष्टक के बाहर, यदि ये तो बाएं हाथ की ओर या फिर दाएं हाथ की ओर कहीं पर भी यदि कोई स्पीसीज परमाणु या परमाणु का समूह उपस्थित है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? आयनिक मंडल। और आयनिक मंडल का क्या हो जाता है बेटा? आसानी से आयनन हो जाता है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु मुख्य रूप से 3D श्रेणी के तत्व होते हैं जिसके अंदर स्कैंडियम से लेकर आपको मैंने जिंक तक बताया। मेन बात है कि इसके अंदर जो डी कक्षक होता है वो कैसे होता है बेटा? रिक्त होता है। और रिक्त डी कक्षक होने के कारण आप जानते हैं कि जो डी कक्षक है, डी कक्षक मतलब 3D श्रेणी के जितने भी तत्व है वो परिवर्तनशील संयोजकता क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करेंगे। जब रिक्त डी कक्षक क्यों चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं जैसे लिगेंड्स परमाणु पर या तो ऋणावेश होता है या ऊपर उसके ऊपर एक या एक से अधिक लोन पेयर उपस्थित होता है। या अपन जानते हैं ऋणावेश का मतलब भी क्या होता है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन जानते हैं कि रिक्त अकेला पूरा का पूरा डी कक्षक चाहिए, क्योंकि अपन ने 11th में पढ़ा था संकरण sp3 और उसके अंदर एग्जाम्पल लिया था जैसे CH4 वाला लिया था। उसमें आप लोगों ने देखा था ना बेटा, ये 1s2, ये 2s2 और यहाँ पर ये 2p2। फिर यहाँ पर ये इस अवस्था को आपने को क्या बोला था? ग्राउंड स्टेट बोला था। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब बाहर 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो एक कॉलम बनाओगे इसके कितने बनाओगे बेटा? यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, तो 1 2 3 4 ये 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो गए बेटा। 1 और 1 चाहे तो क्या होगा? 1s1 है। और 1s1 के तो एक हाइड्रोजन जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। और केंद्रीय धातु परमाणु को कितने कक्षक काम आए? 1s काम आया और 3p काम आया। तो संकरण को बोला था तुमने sp3 संकरण। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो आप लोगों ने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिए थे क्योंकि अकेला, लेकिन जब इनके संकरण की बात करेंगे अपन संकुल यौगिकों के, तो उसके अंदर हमको रिक्त डी कक्षक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ऋणावेश का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का मतलब, एक लोन पेयर का मतलब भी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बात यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब ये संक्रमण धातु तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण धातु तत्व होते हैं और इनके अंदर रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। और रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ही ये लिगेंड्स परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि दाता परमाणु होना चाहिए, एक तो ग्राही तो दूसरा क्या होता है बेटा? दाता। तो ही उपसहसंयोजक बंध का क्या होता है? निर्माण। अगला जो टॉपिक्स है इसके अंदर बेटा ये कंप्लीट। अब अपना अगला जो टॉपिक बोल रहा हूँ बेटा, समन्वय मंडल। क्या बोलेंगे? नंबर 1, 2, 2 के बाद तीसरा नंबर है अपना, और तीसरा नंबर है उसको बोलोगे बेटा समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल की परिभाषा अपन किस प्रकार से देंगे? समन्वय मंडल का मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु कोई भी हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड्स परमाणु को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स परमाणु को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, इसे ही क्या बोलते हो आप लोग? समन्वय मंडल। क्या बोलोगे इसको? समन्वय मंडल। तो बड़ा कोष्टक जहाँ है उसी को समन्वय मंडल के नाम से आप लोग क्या करोगे? जाड़ो। तो आप कैसे परिभाषा दोगे भाई? समन्वय मंडल का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स परमाणु उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित रहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स परमाणु उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित रहते हैं और इन्हें बड़े कोष्टक में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? बड़े कोष्टक में। इसे ही क्या बोला जाता है? समन्वय मंडल बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा इसको? समन्वय मंडल। तो अगला टॉपिक्स इसके अंदर जो अगला है मैं बता देता हूँ, समन्वय संख्या। क्या बोलोगे बेटा? समन्वय संख्या। मैंने एक बात बताई थी बेटा पिछली क्लास में भी कि समन्वय संख्या के बारे में आप लोगों ने पाठ नंबर पहले में भी पढ़ा था, है समन्वय संख्या वो भी थी, यहाँ पर भी समन्वय संख्या है। या इसको क्या बोलोगे? उप सह संयोजन संख्या। क्या बोलोगे? उप सह संयोजन संख्या। तो पहले पाठ में तो ये पढ़ा था कि भाई एक अव्यवीकरण अर्थात एक गोलों के जितने गोले स्पर्श करते हैं उसे उसकी समन्वय संख्या बोलते हैं। जैसे वर्ग निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या मैंने 4 बताई थी और षटकोणीय निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या मैंने 6 बताई थी, ठीक है। HCP और CC में समन्वय संख्या आप लोगों को मैंने 12 बताई थी, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो वो अलग कंडीशन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ समन्वय संख्या का मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने दाता लिगेंड्स परमाणु जुड़े होते हैं उसे ही समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो,
यहाँ पर समन्वय संख्या इसकी कितनी है? छः, क्योंकि यहाँ पर ये एक दंतुक लिगेंड से, एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? समन्वय संख्या। जैसे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हो तो इस एग्जाम्पल की समन्वय संख्या कितनी है बेटा? छः। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, और एक एग्जाम्पल के अंदर मैं एक द्विव दंतुक लिगेंड ले रहा हूँ बेटा, ओ एक्स का होल थ्राइस, ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ लिख दिया बेटा के थ्री लिख दिया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब सुनो, ओ एक्स को ऑक्सलेटो बोलते हैं, ये इंडिकेशन है इसका, अपन सूत्र नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा सूत्र होता है, और ऑक्सलेटो का सूत्र अपन जानते हैं, ये क्या होता है बेटा? ऑक्सलिक अम्ल का सूत्र तो ये होता है, सही है, ऑक्सलिक अम्ल का। अब अपन क्या करते हैं, H का आयनन कराएंगे, इसको हटाएंगे तो ये ऋणावेश, और यहाँ पे क्या लगाओगे? ऋणावेश। कितने दाता परमाणु हुए इसके अंदर? दो, एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर तो दाता, एक ऑक्सलेटो में दो दाता परमाणु, तो तीन में कितने हो गए? छह। तो यहाँ पर आप लोग समन्वय संख्या कितनी करोगे? छह। समझ भाई, ये नहीं कि साहब तीन आप ही, तो आपने छह बताया, मैंने आपको बता रहा हूं फिर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु के दाता परमाणु है ना, उनकी जो संख्या है उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? समन्वय संख्या बोलोगे। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि भाई सी यू ये, फिर या सी एल टू, फिर या एफ टू, और यहाँ पर मैंने कर दिया बेटा एन ए फोर, और ये कर दिया मैंने बेटा एन ओ, एन ओ टू का होल ट्वाइस। ये देखो, ये भी एक क्या है? संकुल है, संकुल देख रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे कितने सी एल जुड़ रहे हैं? दो। कितने एफ जुड़ रहे हैं? दो। और कितने एन ओ टू जुड़ रहे हैं? दो। सब के सब एक दंतुक लिगैंड है, सभी में एक एक दाता परमाणु है, तो दो दो चार दो छः, तो समन्वय संख्या कितनी हुई इसकी भी? इसकी समन्वय संख्या हुई बेटा छः, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अगला एग्जाम्पल एन आई सी एल फोर, और यहाँ पर लिख दिया माइनस का टू लिख दिया, अब यहाँ कितनी है? अरे आपको लिगेंड्स परमाणु में दाता, तो कितने आए यहाँ पर? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसकी समन्वय संख्या कितनी आई? चार आई। तो आप लोगों से बेटा छोटी छोटी बात ये पूछ सकता है कि भाई इसकी समन्वय संख्या क्या होती है, तो ध्यान रख लेना, द्विदंतुक लिगेंड है तो उसकी जो होल लगा है उसका दोगुना कर देना, त्रिदंतुक लिगेंड है तो उसको तीन गुणा कर देना, चतुर्दंतुक लिगेंड है तो चार गुणा कर देना, समझ भाई। एक दंतुक लिगेंड है तो उनकी पूरी संख्या लिखना, और वो क्या कहलाएगी बेटा? समन्वय संख्या। तो परिभाषा के रूप में वापस कि उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को ही समन्वय संख्या बोलते हैं। यहाँ छह द्विदंतुक लिगेंड है तो दुगुणा करना, त्रिदंतुक लिगेंड है तो उसको तीन गुणा आप लोग कर देना। फिर अगला टॉपिक है इसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लिगेंड्स। अब लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? लिगेंड्स बेटा उदासीन, उदासीन या फिर ऋणायन रहेंगे। उदासीन परमाणु पर होते हैं बेटा लोन पेयर, क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर। ऋणायन के ऊपर क्या होता है बेटा? ऋणावेश। बात है, तो वे स्पीसीज जो उदासीन होती है, जिन पर ऋणावेश होता है, क्या करते हैं बेटा? वे स्पीसीज जो उदासीन होती है या ऋणावेशित होती है लिगेंड्स कहलाते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं और स्वयं दाता परमाणु का कार्य करते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही परमाणु का कार्य करता है, ठीक है। आप कैसे भी इस डेफिनेशन को आगे बढ़ा सकते हो, तो मोटी सी बात, ये उदासीन या ऋणावेशित होंगे। क्यों? ये देने वाले होने चाहिए। देने वाले क्या? उदासीन का मतलब यहाँ पर लोन पेयर, उदासीन में लोन पेयर रहेंगे। जैसे आप लोग कह सकते हो बेटा H2O, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर मिलेंगे, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मिलेगा, फास्फीन की बात कर रहे हो, फास्फीन के ऊपर तो अपन जानते हैं पी जो है कौन से वर्ग का तत्व है, इसी का भाई बंधी तो है एन और पी दोनों, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा? एक लोन पेयर मिलेगा। और भी अपन और भी एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे स्पीसीज जो उदासीन होती है या फिर क्या रहती है बेटा? ऋणावेशित होती है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध से बंधित होती है उसको बोलोगे लिगेंड्स। क्या बोलोगे? अब ये लिगेंड्स है, तो अब अगला टॉपिक आता है बेटा लिगेंड्स के प्रकार। क्या आएगा? तो लिगेंड्स के प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊं, जब आप लोग किताब खोल के देखोगे तो बेटा लिगेंड्स के प्रकार में आप लोगों ने एक दंतुक लिगेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग अब लिगेंड के प्रकार,
लिगेंड समझ में आ गया, उदासीन ऋणावेशित होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उससे ऐसे जग बंध बनाते हैं, उसे ही लिगेंड्स बोला जाता है। लिगेंड्स अब ये बेटा छह प्रकार के हैं। सबसे पहला है आप लोगों का एक दंतुक लिगेंड्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पर इस प्रकार के जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट बोल देंगे इंग्लिश में इसको, यहाँ पर क्या होगा एक दंतुक लिगेंड्स में एक ही दाता परमाणु होता है। क्या होता है बेटा? एक ही दाता परमाणु होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि वे लिगेंड्स जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, एक दंतुक लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग बेटा सबसे पहली बात है, मैं सभी से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एक दंतुक लिगेंड्स की आप लोग यहाँ पर सारणी बनाओगे और आपको पाठ्य पुस्तक में जब नोट्स बनाओगे तो ये अनिवार्य कंडीशन है, आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये इस सूत्र के हम कहते हैं लिगेंड का सूत्र, सबसे पहला काम इस सारणी को मैं आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लिगेंड्स का सूत्र, उसके बाद उसका नाम, जो नाम है और नाम भी जो IUPAC में करोगे वही नाम आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका IUPAC नामकरण भी आपको करना है। फिर उसके बाद ये तो सूत्र हो गया, ये नाम हो गया, यहाँ पर दाता परमाणु, जो भी दाता परमाणु है उसको लिखोगे और यहाँ पर बेटा उस पर आवेश की मात्रा लिखोगे। आवेश क्या है? ऋणावेश -1 का है या फिर जो भी है जीरो है, जो भी है। मैंने बात सबसे पहली बात सुनो, यहाँ पर आप लोग इसको दो भागों में बांटोगे, पहले मुख्य रूप से एक तो उदासीन और दूसरा ऋणावेशित। तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिए, नंबर वन में उदासीन ले रहे हैं और उदासीन पर आवेश जो होगा बेटा शून्य होगा, ध्यान रख लेना। ठीक, अब लिगेंड्स का सूत्र सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया बेटा, H2O। क्या ले लिया? H2O। H2O का जो नाम है उसको आप लोग करोगे एक्वा। क्या नाम दोगे? एक्वा। एक्वा दाता परमाणु की बात कर रहे हो तो O है, अरे ऑक्सीजन है तो दाता परमाणु, और यहाँ पर आवेश की बात करो तो क्या है? शून्य, O नहीं है, कभी खोला कि O है, O नहीं शून्य, जीरो लगाना। नंबर दो में आप लोगों ने NH3 और NH3 का नाम है बेटा एमीन। क्या नाम है? एमीन करके लिखो, एमीन करके। ठीक है, अपन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो एमीन बोलते हैं लेकिन इसमें एमीन करके लिखना। ठीक, यहाँ पर दाता परमाणु की बात करो तो कौन है? एन है, और आवेश की बात करो तो क्या होएगा? शून्य। अगला तीसरा प्रकार, तीसरा नाम आप लोग जानते अच्छी तरह से PH3, और PH3 का नाम है बेटा फास्फीन। क्या नाम है इसका? फास्फीन। लेकिन इसका लगो फास्फीडो। क्या लिखोगे इसका नाम में? यहाँ पर इसका नाम आप लोग फास्फीन करना, सॉरी अभी तो कोई जरूरत नहीं है इसमें फास्फीन ही करो, फास्फीडो तो PH3 में करेंगे अपन। ये फास्फीन दाता परमाणु क्या है बेटा? पी है, और आवेश क्या लिखोगे? शून्य। नंबर चार है बेटा CO, और CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। फिर यहाँ पर दाता परमाणु क्या है बेटा? O, और आवेश क्या कर दोगे? शून्य। अगला है पांचवा है C5H5N। C5H5N को बोलोगे बेटा प्रीडीन। क्या बोलोगे? प्रीडीन, और शॉर्ट रूप में इसको PY करके लिख सकते हैं अपन, PY, क्योंकि लिगेंड्स परमाणु को यदि आपको ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में PY लिखा मिले तो इसका मतलब प्रीडीन ही होगा, क्योंकि बड़े सूत्र नहीं लिखता, केवल इसका इंडिकेशन लिख देगा। यहाँ पर दाता परमाणु कौन हुआ बेटा? N। तब दाता परमाणु N है तो यहाँ पर शून्य क्या करोगे? इसका आवेश शून्य करोगे। तो ये तो बेटा कुछ थे आप लोगों के, कौन से? ऋणावेश वाले, सॉरी उदासीन वाले, और उदासीन वालों का नाम क्या है इस चीज़ को ध्यान रखना, और वहाँ पर आवेश क्या है और दाता परमाणु क्या होगा उसको भी आपको क्या करना है बेटा? याद करना है। तो अब आप लोग सबसे पहले तो ये करना, उसके बाद में इसमें ऋणावेश वाला ले लेते हैं, और ऋणावेश वाले के जो नाम है बेटा वह अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोग इनके नाम याद करने में कोई समस्या नहीं, जैसे बुक्स में लिखा है वैसे के वैसे अपन को डिट्टो उतार के इनका नाम लिखना है। तो अपन अगर नंबर दो में ऋणावेश वाले जो है, ये ऋणावेश वाले जैसे X माइनस के अंदर आप लोग क्या ले सकते हो? F- Cl- Br- और I-। ठीक है, अब F, Cl, Br और I को इसको तो फ्लोरो, O पर ख़त्म हो जाए इनका नाम जब अनुलग्न है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो सबका नाम आप क्या करोगे? F को तो बोल देना, F बराबर करोगे फ्लोरो, F बराबर क्या करोगे? फ्लोरो।
सी एल बराबर क्या कर दोगे, ब्रोमो, जो आप जानते हैं जिस तरह से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बी आर बराबर माइनस 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 ये सॉरी क्लोरो, उल्टा हो गया नाम, यहाँ पर ये दूसरा, इसका करोगे ब्रोमो, और आई माइनस का क्या कर दोगे, आयोडो। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर वन तो मैंने ये लिए, नंबर दो, नंबर दो के अंदर जैसे अपन ने ले लिया एनओ टू माइनस, एनओ टू माइनस का नाम नाइट्रो, क्या बोलोगे, नाइट्रो। यहाँ पर देखो सभी पर दाता परमाणु एफ सी एल बी आर कर दोगे, दाता परमाणु वही एफ सी एल बी आर और आई, ये दाता परमाणु है और सभी पर आवेश माइनस वन रहेगा, सब पर माइनस वन। एनओ टू की बात करोगे तो नाम क्या लिख दोगे इसका, नाइट्रो, क्या लिखोगे, नाइट्रो, नाइट्रो करके लिख देना, नाइट्रो। फिर यहां पर दाता परमाणु की बात करोगे तो क्या है बेटा, ओ, और आवेश की बात करोगे तो क्या करोगे बेटा, शून्य। तो बेटा मैं सुन लो, मैं आप लोगों को बोल देता हूं क्या हो गया, अरे आवेश मतलब माइनस वन। तो अब बाकी बात है, तो जैसे अगला बात है कि अपन इसके बारे में जानते हैं, जो आप लोगों ने पाठ नंबर 10 में पढ़ा था कि इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, एक तो O होता है और दूसरा N। जब N दाता परमाणु होते हैं उसको नाइट्रो बोलते हैं, जब O है तो हम कह सकते हैं ओ एन ओ, ओ एन ओ है तो उसको बात है, जिसका नाम है नाइट्रीटो, क्या बोलोगे, नाइट्रीटो। और नाइट्रीटो है तो दाता परमाणु बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पर एन करना है, यहाँ पर ओ करना है, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस वन हो गया। तो इस प्रकार से देखना, उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग सी एन माइनस की बात करो, आवेश माइनस वन, जब दाता परमाणु सी कार्य करे तो साइनो नाम देना, और दाता परमाणु जब एन काम करे तो आइसो साइनो देना। फिर एक एग्जाम्पल और, एस सी एन माइनस, जब दाता परमाणु एस कार्य करे तो उसका नाम थायो साई नेटो देना, और जब दाता परमाणु एन का कार्य करे तो आइसो थायो साई नेटो देना। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे बेटा, फिर आपने कह दिया बेटा जैसे CO3 माइनस टू, इसको अपन कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन अपन बोलते हैं इसका नाम अंत में ओ लगाते हैं तो कार्बोनेटो, क्या लिखोगे, कार्बोनेटो। इसी प्रकार SO4 माइनस टू है तो इसको बोलोगे सल्फेटो, क्या बोलोगे, सल्फेटो। P माइनस थ्री है तो इसको बोलोगे फास्फीडो, क्या बोलोगे, फास्फीडो। N माइनस थ्री है तो इसको बोलोगे बेटा एजिडो करके बोलोगे। तो आप लोग, मेरे कहने का मतलब है, आपको यहाँ लिखूंगा बात वही पड़ेगी, तो आप लोग सबसे पहले कार्य करना कि बुक्स के अंदर से इन लिगेंड्स का नाम और सूत्र आपको उतारना, और पहली बात ये, दूसरी बात है कि प्रत्येक लिगेंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको आईयूपीएससी नामकरण इसका होएगा ही नहीं, समझ भाई। तो लिगेंड्स आप लोग देखना, तो ये तो है बेटा एक दंतुक लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, और एक दंतुक लिगेंड्स में क्या होगा, एक ही दाता परमाणु होंगे, और एक ही दाता परमाणु होने के कारण वो क्या बोलोगे बेटा, एक दंतुक लिगेंड। फिर उसके बाद आपके द्विदंतुक लिगेंड सेकंड नंबर देख लेना बेटा, ठीक है, नंबर दो, नंबर दो है बेटा द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड्स आप लोग इसमें क्या करोगे, बुक्स की सहायता लोगे, और बुक्स के अंदर से आपको इनके नाम, दाता परमाणु और आवेश, ये आपको क्लियर करना। दूसरी बात अब क्या होगा, द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड्स जिनके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड्स कहलाते हैं। नंबर वन, नंबर वन में एक उदासीन है, और उदासीन का नाम है बेटा NH2CH2CH2NH2, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, इसका नाम है एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट रूप में इसको EN से इंडिकेट करते हैं, छोटा ई और एन, ये ध्यान रखना है, एथिलीन डाइएमीन। यहां पर बात करो आवेश की बात करो तो क्या आएगा बेटा इसके अंदर, आवेश, आवेश शून्य, और दाता परमाणु की बात करो तो दाता परमाणु क्या आएंगे इसके अंदर, N, तो कितने हैं इसके अंदर लिगेंड, दो दाता परमाणु नाइट्रोजन, तो इसको बोलोगे द्विदंतुक लिगेंड, लेकिन ये कौन सा है, उदासीन है, ध्यान रख लेना, आवेश शून्य। नंबर दो, नंबर दो है बेटा ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो का सूत्र अपन जानते हैं सी ओ माइनस और सी ओ माइनस, ऑक्सिलेटो, इसको ऑक्सिलेटो को ओ एक्स के इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब ओ एक्स से करेंगे तो आवेश क्या आ जाएगा इसके ऊपर, माइनस का दो, और दाता परमाणु की बात कर रहे हो तो दाता परमाणु क्या रहेगा इसके अंदर, ओ रहेगा, तो ये ऑक्सिलेटो की बात करो। फिर नंबर तीन, एक और एग्जाम्पल है तुम्हारी इसी किताब के अंदर,
एथिलीन डायमीन के बाद वो है ग्लाइसिनेटो का, किसका? ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो का सूत्र होता है बेटा NH2CH2CH2C(OO-). ठीक, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, इसको ग्लाइसिनेटो बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो, और शॉर्ट रूप में GLY। क्या बोलेंगे? GLY। अब आवेश की बात करें तो आवेश क्या आएगा इसके ऊपर? -1। और दाता परमाणु की बात करें तो दाता परमाणु इसके अंदर N भी होगा और O भी होगा। देखो जब ऑक्सीजन है और यहाँ पर कौन है? दाता परमाणु। तो ये है आप लोगों का द्विदंतुक लिगैंड, कि वे लिगैंड्स जिनके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं उनको द्विदंतुक लिगैंड्स। पहला एग्जांपल आपका था एथिलीन डायमीन, सूत्र NH2CH2NH2, आवेश 0, दाता परमाणु N। दूसरा एग्जाम्पल था ऑक्सीलेटो का, जिसको OX से इंडिकेट करते हैं, दाता परमाणु ऑक्सीजन और आवेश कितना होगा? -2। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि वे लिगेंड्स जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड्स। अगला है इसके अंदर नंबर तीन है बेटा त्रिदंतुक लिगेंड। अब त्रिदंतुक का मतलब समझ में आ गया कि वे लिगेंड्स जिनके अंदर तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? त्रिदंतुक लिगेंड्स कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा एथिलीन डायमीन नहीं करना था यहाँ, ट्राइमीन। ठीक है, तो यहाँ पर सुनो NH2 1 2, फिर ये CH2 CH2, NH लोन पेयर, CH2 CH2, और ये NH2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहली बात एथिलीन हो गए, डाई एथिलीन एक दो तीन ट्राइमीन। तो नाम क्या हो गया? डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो इसके अंदर दाता परमाणु क्या हुआ? दाता परमाणु तो N, और आवेश क्या हुआ? 0। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल इसके अंदर कौन सा? एमिडो वाला है शायद, डाईएसिटेटो, NH, और यहां पर ये CH2 CD1O-, 1 2, और ये CH2 CD1O-। हो गया, तो यहां पर आप लोग दाता परमाणु कितने दिखाई दे रहे? 1 2 3। ठीक है, आवेश -2 करना, लेकिन यहां पर दाता परमाणु की संख्या 3, 3 का मतलब दो ही मानोगे वैसे तो, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो आवेश इसको बोलोगे आप लोग त्रिदंतुक लिगेंड जिनके अंदर तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला है एग्जाम्पल बेटा चतुर्दंतुक लिगैंड, परिभाषा समझ में आ गई होगी, चतुर्दंत वे लिगैंड जिनके अंदर चार दाता परमाणु उपस्थित होते हैं चतुर्दंतुक लिगैंड्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल तो वही ले लेना, NH2 CH2 CH2 NH, फिर यहाँ पर CH2 CH2 NH, फिर यहाँ पर ये CH2 CH2, और ये NH2। 1 2 3, ये 4, कितने बेटा? 1 2 3 ट्राई एथिलीन। क्या करोगे इसका नाम? ट्राई एथिलीन। 1 2 3 4 टेट्रा एमीन। आवेश की बात करोगे तो क्या आएगा? 0। दाता परमाणु की बात करो तो क्या आएगा? N। ठीक है, आवेश आपको 0 करना। एक नाइट्रिलो वाला और एक एग्जांपल N, ये CH2 CD1O-, या CH2 CD1O-, ये CH2 CD1O-, ये लोन पेयर। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितने? 4 दाता परमाणु हैं। तो इसको बोलोगे आप लोग चतुर्दंतुक लिगेंड्स के नाम से, जिसमें 4 दाता परमाणु होंगे उसे चतुर्दंतुक लिगेंड्स के नाम से जाना जाएगा। अब पंचदंतुक लिगेंड्स में अंदर क्या करोगे? वे लिगेंड जिनके अंदर 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? पंचदंतुक लिगेंड। इसके एग्जांपल है EDTA EDTA-3। EDTA का मतलब होता है एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेटो। क्या बोलोगे इसको? EDTA। और एक है बेटा EDTA, इसको तो बोलोगे, ये तो है आपका पंचदंतुक वाला। क्या है बेटा? पंचदंतुक का। और एक एग्जांपल है आपका EDTA EDTA-4।
अब इसका एग्जाम, इसका नाम तो लिखोगे एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, इसका एग्जाम्पल नाम लिखोगे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। यहां टी फोर क्या लगाना है, टेट्रा, और यहां टी फोर क्या लगाना है, ट्राई। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, ये तो षटदंतुक है, मतलब ये छह दंतुक लिगेंड हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, पंचदंतुक। तो नाम क्या होगा, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई, ट्राई एसीटेटो, ये तो इसका नाम होगा। पूरा सूत्र भी इसके नीचे लिखेंगे अपन। इसका नाम क्या होगा, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन, और टी फोर क्या लिखोगे, टेट्रा एसीटेटो, ये आपको करोगे इसको। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, N यहाँ पर ये CH2 करना, ये CH2 करना, ये N करना, यहाँ पर ये CH2 CD1 O माइनस, ये CH2 CD1 O माइनस, तो हो गया बेटा ये तो कहानी। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, ये CH2 ये COO माइनस, और यहाँ पर क्या कर दिया, तो ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है बेटा, ये ऋणावेश दिखाई दे रहा है। एक दाता परमाणु, दूसरा दाता परमाणु, तीसरा दाता परमाणु, चौथा दाता परमाणु, और ये पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पर दाता परमाणु कार्य कौन करेगा, N और O, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ट्राई एसीटेटो। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखो ये वाला, इसमें इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं करना, यहाँ पर ये एच के स्थान पर सी एच टू सी ओ माइनस कर देना, ये आपका किसका सूत्र हो जाएगा, ई डी टी ए माइनस। अब देखो ऋणावेश एक, ऋणावेश दो, ऋणावेश तीन, तो तीन लगा दिया। फिर अगले में उस वाले का सूत्र लिख रहे हैं अपन, ई डी टी ए माइनस फोर का, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो का, तो सूत्र होगा बेटा सी एच टू, फिर यहाँ पर सी ओ ओ और ये माइनस, तो इसका सूत्र होगा बेटा, ये वाला सूत्र किसका बना, ये इस वाले का बनेगा, इसका नाम होगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको षटदंतु क्या, एक्सा डेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानेंगे, और इसको क्या बोलोगे, पंचदंतुक लिगेंड्स। तो ये बेटा कुछ लिगेंड्स थे, आप लोगों सबसे पहला कार्य है बेटा इन लिगेंड्स को उतारना, और लिगेंड्स को उतारने के बाद इनका सबका नामकरण आप लोग क्या करोगे, याद करना कि इसका नाम क्या है, इसका सूत्र क्या होगा। अगला जो टॉपिक्स है बेटा इसके अंदर, हाँ बेटा अगला जो टॉपिक है इसके अंदर, नंबर जो भी है उसका नाम है एक, आप अगला बोलोगे होमो, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक संकुल, संकुल बोलो या फिर उपसहसूचक बोलोगे, नंबर एक। और नंबर दो है हेट्रो, हेट्रोलेप्टिक संकुल। यहाँ संकुल का मतलब उपसहसूचक यौगिक, ये ध्यान रख लेना कि होमोलेप्टिक उपसहसूचक यौगिक किसे कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, तो संकुल का मतलब उपसहसूचक। अब देखो होमो का मतलब होता है समान, और हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, असमान। इस चीज को ध्यान रखना, जब समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, होमो का मतलब समान, जब समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से समान लिगेंड्स परमाणु जुड़े हों, एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, तो उस संकुल को बोला जाता है होमोलेप्टिक संकुल। क्या बोलोगे, तो मतलब जब समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से समान, केंद्रीय धातु परमाणु से समान लिगेंड्स परमाणु जुड़े हुए हों, समान लिगेंड्स परमाणु क्या हों बेटा, जुड़े हुए हों, तो उसको बोलोगे होमोलेप्टिक संकुल। अब तुम्हारे मन में जो एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने आयनिक मंडल नहीं लिखा, लिखने की आवश्यकता नहीं, तुम लिखना चाहो तो लिखो, जैसे मैंने इसमें लिख दिया एन ए थ्री, हो गया, तो समान है कि नहीं है। एक एग्जांपल है जैसे सी यू ई एन का होल ट्वाइस, और अपन ने लगा दिया प्लस का दो, आई बात समझ में, तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन की दो समान है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, जैसे अपने बोला एन आई सी एल फोर माइनस प्लस का टू, सॉरी माइनस का टू, प्लस का नहीं, क्योंकि माइनस का आवेश आएगा, तो कितने सी एल है, चार, तो समान दिखाई दे रहे। मतलब है कि जब समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु सभी समान है, तो उसको बोलोगे होमोलेप्टिक संकुल। क्लियर। फिर अगला अगला टॉपिक है बेटा, मैंने बोला असमान, जब
समन्वय मंडल में लिगेंड्स सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु से असमान लिगेंड्स परमाणु जुड़े हुए हैं भिन्न भिन्न, तो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोलेप्टिक संकुल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ बेटा सी यू, ठीक है सी यू, फिर हमने सी एल, सी एल का क्या कर दिया होल ट्वाइस, फिर अपन ने कर दिया बेटा बी आर, बी आर का कर दिया बेटा होल ट्वाइस, और हमने क्या कर दिया एन ओ टू, और एन ओ टू का भी क्या कर दिया होल ट्वाइस। ये तो कंडीशन लगा दी आपने ये वाली। अब आप लोगों ने भार माइनस के कितने, वन टू थ्री, सब माइनस माइनस के। अब माइनस की बात करो तो अपन ने प्लस के कितने लगा दिए यहाँ पर, जैसे एन ए फोर लगा दिया, फोर लगा दिया, तो ये आपका एक संकुल बन गया। अब यहाँ देखो सब अलग अलग वो है लिगेंड्स, जब लिगेंड्स अलग अलग हो तो उसको बोलोगे हेट्रोलेप्टिक संकुल, अर्थात वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स परमाणु जुड़े हुए होते हैं उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलोगे, जब समान जुड़े होंगे तो उसको होमोलेप्टिक संकुल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक था बेटा आपका होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल का। होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब क्या होगा बेटा, असमान। ठीक है बेटा, चलो।